हाँ तो नमस्कार। हम बात कर रहे थे इतिहास की ओर। कल मध्यकालीन भारत का स्टार्ट किया था, मध्यकालीन भारत बात की थी, अरब आक्रमण की बात की थी। क्या है कर ली थी अरबों के द्वारा, क्या क्या आज हम बात भारत के ऊपर क्या आक्रमण। चलिए बात कर रहे भारत पर, भारत पर पहले बात करते हैं। अलप्तगिनी अलप्तगिनी का माना जाता माना जाता है द्वारा अलप्तगिनी के साथ 200 और तुर्की वर्षों पश्चिम आ जाता है तुर्की। इसके बाद का सुपुप्त कहा पहला आक्रमण, पहला आक्रमण है और बाद में कारगिल और सुबह दोबारा प्यारे दोस्त आज जो काफी सारे शासक, लेकिन शासक कहा जाता है कि शासक बनता है भारत पर आक्रमण आक्रमण करता है भारत के ऊपर, भारत के ऊपर कहा जाता है इसका आक्रमण का कि भारत को भारत है इस सुपुक्त इनके द्वारा भारत पर। बात करते हैं सुबह बात करें भारत कर आक्रमण है आक्रमण करता है आक्रमण पार कर लेता है अधिकार कर लेता है। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण जाता है भारत का भारत पर भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 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 भारत
पारा किया गया। भाई गुप्त तुर्की आक्रमण की बात करें तो अब सुबुक आक्रमण आक्रमण कर पाल को पाल से तो कुछ इतिहासकार मानते शिवपाल खुद अफगान गांव का अफगानिस्तान पर स्थापना कर इसका दामाद या फिर आक्रमण भारत के काल भारत काल था तो आक्रमण कर लेकिन वहां पेड़ खा रहे क्या कह रहा था इस पर और वहां से कहा जाता है कि अपमानजनक क्या होता है कंडीशन यही होती है कि चाप से आ जाता है और क्या होगा सारी ऐसा हो क्या होगा पकड़ते अरे बहुत गुप्त स्माइल क्या नाम था इसका स्माइल कहा जाता है कि इस बार जो आक्रमण दो सौ बानवे आक्रमण 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 है आक्रमण अब आता है आगे कौन पराजित होता है अब कंडीशन यहां पर इस आक्रमण के कौन आता है यहां का पुत्र क्या था क्या कंडीशन अब किसका अधिकार हो जाता है उसका अधिकार हो जाता है आ जाता है क्या करते बाद जो शासक बनता है बाद सुबुक कहा जाता है कि बात करें मन में आता था कहाँ आता था भाई गजनी का आक्रमण ये ध्यान रखना उसके बाद बात करें कि दोस्तों वक्त बाद के बीच में बाद कहा जाता बाद बात करें बाद क्या होता है इसके में क्या होता है उत्तराधिकारी संघ
में उत्तराधिकारी का कार्य संघर्ष होता है, क्या होता है संघर्ष होता है, उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। क्या था कि महमूद अधिकारी गुप्त के पुत्र क्या थे भाई, अधिकारी और मोहम्मद गजनवी नाम से अब नया शासक कौन मोहम्मद किसके नाम से मोहम्मद गजनवी अब क्या होता है सर्वाधिक कहा जाता है बात करें था क्या कारण क्या था अपने बातें कि कारण हुआ करता पाठ करना कारण हुआ करता धन वसूल या धन लूट कारण हुआ। और बात करें तुर्क आक्रमण की राज्य का कौन था तुम सप्तगिन और चर्चाएं के पहले आक्रमण वो आक्रमण बात करता है बजे बात को बात कर सर्वाधिक बार आक्रमण अधिक सर्वाधिक बार आक्रमण बार आक्रमण बार आक्रमण बार आक्रमण बार आक्रमण बार आक्रमण गजनवी आक्रमण कर अब बात करते जी या प्रथम आक्रांत प्रथम आक्रांता
प्रथम तुर्की सफल आक्रांता का राज्य की सप्तगिन प्रथम कहा जाता है। बात करें क्या चर्चा है, यहाँ पर आक्रमण नेपाल को पराजित किया, ने पर आक्रमण किया, आक्रमण किया और वहां के शासक, वहां के शासक नेपाल को पराजित किया, नेपाल को पराजित पराजित किया, नेपाल को पराजित, नेपाल को पराजित, नेपाल को पराजित कर क्या कर दो। अब क्या कंडीशन और लगवान के प्राप्त कर टावर लगवान कार कर शासन स्थापित किया, शासन स्थापित का जो युद्ध था इसका लगवान पाणमे में दो बार ये आक्रमण बार आक्रमण कहा जाता है। हार के बाद एक करता है और संधि काम सुख अपमानजनक आक्रमण की बात करें बाद बात करें बाद अपमानजनक करता है और
कुछ समझात साथ काम को आग आ ये प्यारे दोस्तों सर्वप्रथम इस्लाम धर्म कर साथ कार करने वाला आपका पाल हो जाता है देता है नेपाल कालांतर में तो छोड़ भी देता है इस धर्म बाद इसको त्याग देता है काम धर्म कार कर लेता है कहा जाता है कार करने के देगा अब कंडीशन अब बात करते तो है प्यारे दोस्तों अधिकारी संघ बनता है और मोहम्मद बार आक्रमण बार आक्रमण करता है 17 बार आक्रमण करता है कौन मोहम्मद और इसका उद्देश्य केवल मात्र करता था ये आक्रमण था भारत में काट मचा क्या भारत से धन जितना मिल जाए जितना कहा जाता है लूटपाट खूब लूटपाट मचा कौन क्या चलिए तो कहा जाता है 17 बार 17 का तो जिक्र भारत पर बार तरफ हुआ कर दोस्तों भारत पर बार आक्रमण ठीक है बाद बात करें याद रखिएगा बात करें फर्स्ट आक्रमण 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 पहला आक्रमण पेशावर के फर्स्ट आक्रमण 1000 ईस्वी पर पेशावर पर आक्रमण किया गया पहला आक्रमण पर अब किया गया और बातें करें प्यारे दोस्तों आक्रमण कहा जाता है जानकारी कहा जाता है आक्रमण आपके
का वही जयपाल है पंजाब के ऊपर, पंजाब के ऊपर है पाल को, पर पाल पाल को क्या है, और पंजाब का शासक कहता है कि दूसरा आक्रमण आपके ऊपर पंजाब के ऊपर कहां तक कहा जाता है पाल इस युद्ध पराजित हुए हाल पराजित आज आज आत्मदाह कर आत्मदाह कर लिया हाँ आत्मदाह का मतलब क्या है कि आपको अब आकर विश्व जाए गलती क्या हो गया था है आत्महत्या क्या था और नहीं कारण प्यार कर ले कौन ठीक है। तो इतिहासकार मानते हैं कि और मुस्लिम इतिहासकारों ने खास आरों ने पाल को क्या कहा ईश्वर का शत्रु कहा पर कहा भाई ने कहा था मुस्लिम इतिहासकार ने जयपाल को क्या कहा कहकर संबोधित का ध्यान शत्रु कहा गया। बात नेक्स्ट आक्रमण की बात कर रहे प्यारे दोस्त कहा जाता है अब डायरेक्ट आक्रमण आक्रमण बात करें कौन आती बात करें कान के ऊपर कान के ऊपर पाल का पाल कौन पाल का नाम का नाती ना क्या पाल का नाती का पुत्र पाल आक्रमण करने का पांचवा पाल के फिल्लू फाइल पर बस कहा वापस तुर्की लोग तब या है पाल को पराजित हो पाल ने क्या किया पाल पाल पराजित बाद पाल कबूल कर लिया
धर्म कबूल कर ली, कर क्या मुस्लिम धर्म कबूल कर ली, कर लिया था अपने आप को, अपने आप को उपाधि, आप कौन सी उपाधि से प्यारे दोस्तों किया, ठीक है अपने आप को प्यारे दोस्तों प्रमुख भारत पर सत्ताबार आक्रमण रात का आक्रमण आ जाता है कब कहा जाता है आसपास एक्स बात करें देखिएगा प्यारे दोस्त बात बारहवें आक्रमण बाहर अठारह उन्नीस क्या था भाई क्या था ये और बारवा बारवा चैलेंजर 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 तो अर्थात है कि बारे में क्या है एफ ऐसा सर जो चलो तो ये कहां पर आक्रमण करता है बात करें कालिंजर 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 शासक क्याधर पराजित करता है क्याधर को तो पराजित कर कार्य करता है मोहम्मद गज़नवी तो ये इसका 12वें नंबर के बाद बात करें का एक कहा जाता है दरबार में एक दीवान रहा करता है कि इतिहास का खास का ऐसा सर का वैभव स्वर्ग के शहर
वैभव स्वर्ग के है, ऐसा शहर का वैभव बारे में बात कर रहे हैं, मथुरा के बारे में बात करी, बारे में बात ऐसा शहर जिसका वैभव स्वर्ग के स्वर्ग समान है। मथुरा के बारे में क्या कल्पना करता है ये उर्वी, और इसके क्या कहता है वैभव स्वर्ग स्वर्ग के समान हो, तो ऐसा शहर किसको कहता है भाई, आपको कहता है भाई क्या पाठ के बाद साथ बात करें मेरे दोस्त वहां पर नेक्स्ट का महत्वपूर्ण और आक्रमण है तो रहेगा आपका कोलवा आक्रमण दोस्तों रात के राष्ट्र या गुजरात राष्ट्र या रात सोमनाथ नाथ के मंदिर कहा जाता है दोस्त। इस समय शासक की बात करें आपका भीम क्या होता है प्यारे दोस्तों, कई सारे इतिहासकार ये जो आक्रमण था इतना खतरनाक आक्रमण लोग अर्चना भगवान की आराधना लगभग 50,000 लोग थे, उस समय लगभग 50,000 लोग आ जाता है तो ये सब भगवान जाने कौन बचाएगा, मैं भगवान शिव कौन बचाएगा, भगवान शिव ही बचाएगा, बैठ जाते हैं करोगे नहीं तो आपको आपको पता है कि बिना रोए तो माता भी बच्चे को दिलाती, यहाँ तो कर्म की बात है अर्थात आप लड़ोगे नहीं कैसे बच पाओगे, तो कहा जाता है अरे भगवान की भक्ति ओम नमस्ते कहा जाता है पैर दोस्तों। जब मोहम्मद गजनवी ने लगभग 50,000 लोगों को कटवा दिया दिया था नहीं किया और करता जाता है इतिहासकार मानते आक्रमण किया गया था, सबसे जानकारी कि ब्राह्मण लोग कौन निवास करते हैं ब्राह्मण देव निवास करते हैं, शोक है वो तो खाने का शोक है, क्या शोक है भाई, खाने का खूब शोक होता है, कहा जाता है खूब घी पिलाता है ये, क्या खूब घी पिलाता है, खूब खिलाता है पिलाता है, पिला पिला के पिलाता है, और कहा जाता है तब क्या लग जाती अपने आप के सिरे आक्रमण कंडीशन आता है, यहाँ ब्राह्मण खाने में माहिर होते हैं, ब्राह्मण खाने में माहिर होते हैं, और इसी आ जाता है तो क्या होता है कि हालत खराब हो जाती है, स्थिति लड़ने की नहीं रहती, उस टाइम पर आक्रमण पर आकर
पहले जाने जाते टाटों ने क्या फिर दोस्तों टाटों ने बड़ी मुश्किल साथ फिर दो 1025 है और 1025 शायद कहा जाता है बाद में जो शिवलिंग यहां से लेकर गया था बारे में कहा जाता है कि ये अपनी मस्जिद का निर्माण क्यों पर को लगवाता है क्या लगवाता है कि मस्जिद कौन मोहम्मद गजनवी बताते पर और कहा जाता है कि यहाँ पंजाब में की होकर जाटों के द्वारा इसका किया गया था और यहाँ चल जाता है छूट चल जाता है इसके बारे में कहा जाता है कि वो इसने प्राप्त किया था यहाँ पर एक तो मुल्तान के ऊपर आक्रमण मुल्तान के होने को ले जाने के लिए मुल्तान के आक्रमण बात कहा जा कही जाती है ऊंट भर कर लेगा कारण तो भारत को कहा जाता है हाँ लेकर जा रहा है तो बंदा कुछ ना कुछ बात है कारण तो ये के लिए आया करते थे। अब क्या होता है प्यारे दोस्त तो यहाँ पर किसका जाती है लूट लेता है लूट कर कहाँ चला जाता है ना रात के मन बड़ा आक्रमण है और काफी ज्यादा इसमें सबसे अधिक यह आक्रमण सबसे प्रसिद्ध आक्रमण आक्रमण 17वां आक्रमण प्यारे दोस्तों आक्रमण जो आक्रमण करता है पैरदूत आपके जाटों के ऊपर आपके जाट आपके जाट बारे में थोड़ा बात करें किस बात के नाथ के मंदिर का नाथ का मां पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है ये देखना है सबसे पहली बार की बात करें चार काल काल प्रथम द्वारा कार का पुनः 1100 पाल के द्वारा मार पाल के द्वारा मार पाल 1100 करवाए और बात करें क्या भाई 12 करवाया जाता 1100 क्या भाई क्या क्या भाई होलकर होलकर द्वारा भी करवाया जाता है कब क्यों करवाया जाता है इस समय कहा जाता है औरंगजेब ने इसको दिया था
औरंग ने पाया था, पाया पाया था भाई, पाया था। इस कारण कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इसको औरंगजेब के तुड़वाने के बाद अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। और कहा जाता है बाद 1750 में, प्यारे दोस्तों 1750 बात करें 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल बार जो निर्माण हुआ बार 50 में कब होता है 80 से सरदार वल्लभ भाई पटेल मंत्री वल्लभ भाई पटेल द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया आपके करवाया गया था किसके द्वारा आक्रमण सर्वाधिक प्रश्न तो याद रह जाएंगे प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं शत्रुवय आक्रमण 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 की बात करें तो जाटों की जो 1027 और 1027 पाकिस्तान या सिंध के जाटों की आक्रमण पर भारत पर आक्रमण आक्रमण पाकिस्तान पाकिस्तान पर अब में आते थे जाटों पर पाकिस्तान व सिंध जाटों पर ये अंत प्यारे दोस्तों बाद कहा जाता है 2030 अब प्यारे दोस्तों 2030 मत गजन मध गजनवी मृत्यु किसके बीमारी के कारण मृत्यु किसके का आठ थे आर्थिया टाटों ने किया और घेरा बनाकर हटा दिया था द्वारा टाटों के। अब बात करें तो इसका सही इतिहासकार जो था उत्पा करता सारी विद्वान बारे में कहा जाता है चलेगा यहाँ पर सही इतिहासकार करता था इसका दरबारी विद्वान दरबारी विद्वान की बात करें दरबारी विद्वान में बात करने जा रहे प्यार नाम दरबारी विद्वान शाही इतिहासकार था जाता ये शाही इतिहासकार था खास जाता ये इतिहासकार था द्वारा एक इतिहासकार था इस बारे में कहा जाता है प्यारे दोस्तों ये उत्वी था ये सब ये दरबार का और इस द्वारा किताब उल यामिनी तारिख उल यामिनी दो रचनाएं किताब उल यामिनी और तारिख तारिख
यामिनी, अर्थात ये यामिनी वंश का हुआ करता था, कारण हुआ करता था यामिनी वंश, कारण कहा जाता है किताब उल यामिनी और तारिक उल यामिनी। ये इसकी जानकारी विद्वान था, किसके दरबार का ये बात करें अलबरूनी, अलबरूनी भी बहुत अच्छा विद्वान हुआ करता, तो किसके साथ मोहम्मद गजनवी भारत आया था, कब आया था प्यारे दोस्तों, तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आला या इतिहासकार अलबरूनी। अलबरूनी के बारे में कहा जाता है कि इस किताब उल हिंद और तारिक उल की थी। बात करें अलबरूनी, अलबरूनी की बात करें तो दोस्त विद्वान की बात करें अलबरूनी, 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 अलबरूनी की बात करें अलबरूनी भारत में साथ साथ भारत आया। रचना की बात करें, बात करें किताब उल हिंद, किताब उल और दूसरी बात करें कहा जाता है किताब उल हिंद तारिक उल, तारिक उल तारिक उल अलबरूनी इतिहास का प्रमुख इतिहास का है और कहा जाता है बारे में कई सारी जानकारियां हमें मध्यकालीन भारतीय बारे में कौन है, एक उत्पी और एक फिर दोषी, दोषी को बात करें का नामा का हेबर भी कहा जाता है, बात करें, बात करें अंता, बात करें हाँ रचना का नाम कहा क्या नाम था का नामा, ये पूर्व का हेबर कहा जाता है, क्या कहा जाता है का हेबर कहा जाता है, कहा जाता है का हेबर कहा जाता है, ये इसे आपका मुंह आता है और कहा जाता है कि तुर्की आक्रमण करता और पैर दो। आगे पढ़ते हैं गोरी आएगा और हम कार से गुलाम सारी चर्चाएं हम नेक्स्ट क्लास में, बहुत मजा आने वाला है, जज्बात के साथ जुड़े भी ज्यादा मजा आने वाला है और जोर से लड़ेंगे साथ, किस प्रकार से गुलाम वंश आएगा और किस प्रकार से अलग अलग आएंगे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जोश और जुनून के साथ। जय हिंद जय भारत।